प्रीवियस वीडियो दैट इज वीडियो नंबर 152, उसमें मैंने कुछ इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड एडवांस कॉन्सेप्ट्स आपको बताए थे, तो मुझे फटाफट से रिवाइज करा वो, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, ठीक है? ओके, तो जहां पे हमने प्रीवियस क्लास एंड की थी वहीं से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, बट थोड़ा सा रिवाइज पहले कर लेते हैं। हाँ जी, तीन कॉन्सेप्ट थे। द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट वॉज इक्विवेलेंस क्लास, सेकेंड वॉज क्वेश्चन सेट, एंड द थर्ड वॉज पार्टीशन, है ना? शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है? ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जस्ट रिवीजन करा रहा हूँ और कुछ नहीं। हाँ जी, जैसे फॉर एग्जांपल एक पेरेंट सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं से 1, 2, 3, ओके, और एक रिलेशन आर मैं बनाता हूँ से 1, 1, 2, 2, इसी सेट ए पे हम एक रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है? ओके, और ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, प्लीज आप चेक कर सकते हैं, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, आपको चेकिंग करनी है, वही रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव, तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, प्लीज चेक कर लेना अपने आप, ठीक है? अच्छा, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन है तो मैं इक्विवेलेंस क्लास की बड़े आराम से बात कर सकता हूँ। हाँ जी बताओ भाई, याद आ रहा है आपको? हर एक एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है पेरेंट सेट में, हर एक एलिमेंट की अपनी अपनी एक एक इक्विवेलेंस क्लास होती है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पेरेंट सेट, ठीक है? हाँ जी, तो 1 की क्या आएगी भाई? देखो 1, 2, है ना, सेट फॉर्मेट में लिखना है इसको प्रॉपरली। अच्छा जी, 2 की भी क्या है? देखो 2 किसकी से रिलेट कर रहा है भाई? 2, 2 से और 2, 1 से भी, तो 1, 2, ठीक है? और 3 की क्या होगी भाई? ओनली 3, ठीक है? याद आ रहा ना? कोई भी एलिमेंट x है पेरेंट सेट में तो उसका इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी? इट विल बी ऑल दोस y's such that x is related to y, ठीक है? याद आ रहा होगा, आई थिंक बेसिक सी बात है, ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हाँ जी, तो ये होगी भाई इक्विवेलेंस क्लास। अच्छा, अब यूनिक इक्विवेलेंस क्लास कितनी है भाई? नंबर बताओ, नंबर ऑफ यूनिक इक्विवेलेंस क्लासेस कितनी है भाई यहाँ पे? देखो ये दोनों तो एकदम सेम है, तो यूनिक आप समझ पा रहे होगे सिर्फ 2 है, नंबर ऑफ यूनिक इक्विवेलेंस क्लासेस 2 है, और यही नंबर ऑफ यूनिक इक्विवेलेंस क्लासेस को हम क्या बोलते थे भाई? इंडेक्स, ठीक है? अच्छा, अब जो भी यूनिक इक्विवेलेंस क्लासेस हमारे पास आई है ना, उनका एक सेट बना दो। ये देखो, जैसे ये 2 यूनिक थी तो हम एक सेट बना देंगे इनका, ठीक है? मतलब मैंने एक सेट बना दिया सेट्स का, इसको हम लोग बोलते थे क्वेश्चन सेट। क्वेश्चन सेट को कैसे रिप्रेजेंट कराते थे? ए बाय आर से। ए क्या है भाई? वही हमारा पेरेंट सेट, और आर क्या है भाई? इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है? ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सेट। अच्छा, पार्टीशन क्या था भाई? आप पहले मुझे ये बताओ, मुझे पहले यहीं से समझाओ, क्या ये पार्टीशन है? इज इट अ पार्टीशन? तो उसकी चेकिंग कराएंगे हम लोग। पार्टीशन ऐसे नहीं बोलना होता था, पार्टीशन मतलब ये नहीं था, मैं आपको पहले भी बताया था कि बस सेट के टुकड़े कर दे तो वो पार्टीशन हो गया, ऐसे नहीं बोलना था। 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए थी। फटाफट से मेरे को रिवाइज कराओ भाई, क्या क्या कंडीशन थी? पहली कंडीशन क्या थी कि जो जो भी ये ब्लॉक्स हैं, इनको बोलते थे ना A1, A2, A3 एंड सो ऑन, ये सब ब्लॉक्स हैं, तो ए आई मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मतलब कोई भी आपका जो ब्लॉक है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी जो सेट हमने इसके अंदर लिखा है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या थी भाई? सेकेंड कंडीशन थी कि ए आई इंटरसेक्शन ए जे, I is not equal to J के केस में, that must be 5, मतलब disjoint होने चाहिए। थर्ड, यूनियन करवाएंगे हम सभी AIs का, जितने भी ब्लॉक्स हैं सबका यूनियन करवाएं, तो आपके पास पेरेंट सेट A आ जाना चाहिए। देखना जरा तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है यहाँ पे। देखो हर एक सेट नॉन एम्प्टी है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, और ये डिसजॉइंट है दोनों, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, डिसजॉइंट है, और इनका यूनियन करवाएंगे हम लोग 1, 2, 3, तो ऑब्वियसली हमारा पेरेंट सेट आ रहा है, तो ठीक है जी, दिस इज ऑल्सो पार्टीशन, ठीक है? अब बस मैंने यहीं पे अपना काम कंप्लीट किया था प्रीवियस वीडियो में, अब हम थोड़ा सा यहीं से और आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना जो मैं अब कहानी बोलूंगा। देखो भाई, सीधी सी बात है, पार्टीशन सेट से रिलेट हो रहा था, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, ठीक है? तो ये सेट थ्योरी का सिंपल कंसेप्ट है, हमने इक्विवेलेंस रिलेशन में इसको क्यों घुसा दिया? एक्चुअली एक बहुत बड़ा फैक्ट है, वो फैक्ट क्या है आप देखना जरा, जो क्वेश्चन सेट हमने बनाया है, और ये जो इसी को ही मैं पार्टीशन भी कह रहा हूं, है ना? एक्चुअली ना क्वेश्चन सेट और पार्टीशन दोनों एक ही बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज ध्यान रखना, है ना? ये दोनों चीजें एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों बातों में। प्रूफ चाहिए आपको तो मैं प्रूफ कराता हूं। देखो भाई, पहला कंडीशन पार्टीशन के लिए क्या है भाई? AI must be greater than 0, मतलब हर एक ब्लॉक की जो भी हमने यहाँ पे सेट्स लिखे हैं वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे अगर क्वेश्चन सेट की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जो लिखूंगा वो क्या होंगे भाई? इक्विवेलेंस क्लासेस होंगे, यूनिक इक्विवेलेंस क्लासेस होंगे, है ना? और हर एक इक्विवेलेंस क्लास आपको पता है नॉन एम्प्टी होती है, तो बस पहली कंडीशन जो पार्टीशन की है वो हमारा क्वेश्चन सेट भी फुलफिल करवा रहा है। अच्छा, दूसरी कंडीशन AI इंटरसेक्शन AJ, I is not equal to J must be 5, मतलब ये जो भी हम यहाँ पे जो सेट्स लिख रहे हैं these must be disjoint, और क्वेश्चन सेट की अगर मैं बात करूं तो जो मैंने सेट्स यहाँ लिखे हैं वो क्या है भाई?
इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, और इक्विवेलेंस क्लासेस आपको पता है तो बिल्कुल सेम होती हैं या डिसजॉइंट होती हैं, मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज में, प्रीवियस वीडियो आप चेक करो, है ना। तो सेम सेम का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये सेट बना रहे हैं हम, तो यहाँ सेम तो आएंगे नहीं, यूनिक ही आएंगी, है ना, तो ऑब्वियसली डिसजॉइंट निकलेंगी। हाँ जी ठीक है जी, सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है। अच्छा थर्ड कंडीशन आप यहाँ पर चेक कर सकते हो बड़े आराम से, जितने भी ये ब्लॉक्स आपने लिखे हैं इनको ब्लॉक्स कहते हैं ना पार्टीशन की भाषा में, इनको ब्लॉक्स कह रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग इक्विवेलेंस क्लासेस कह रहे हैं और कुछ नहीं। तो जितने भी इक्विवेलेंस क्लासेस आपने यूनिक लिखी है उन सबका यूनियन करवाओ, तो आपके पास पेरेंट सेट वापस आएगा। कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल आएगा भी, क्योंकि हमने इक्विवेलेंस क्लास क्या कहा था भाई, एक किस्म से पेरेंट सेट के जो टुकड़े हैं, है ना, बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है, आई थिंक ये तो प्रूव करने की भी बात नहीं है, आपको अपने से समझ में आ रहा होगा। तो जो तीनों कंडीशन पार्टीशन की है, ये तीनों कंडीशन हमारा क्वेश्चन सेट फुलफिल कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों चीजें एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है बातों में, ठीक है। तो अलग अलग कंसेप्ट क्यों है, अलग अलग नाम है और कुछ नहीं। जो क्वेश्चन सेट है ये बहुत ज्यादा इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेट हो रहा है, और जो पार्टीशन है ये एक किस्म से जनरल कंसेप्ट है जो सेट से रिलेट हो रहा है, बस और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी है दोनों चीजें एकदम बराबर, ठीक है। अच्छा अब ये चीज आपको अगर समझ में आ गया ना, तो अब एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आपको बताऊंगा, उस थ्योरम की इंपॉर्टेंस ये है कि हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन उससे निकालने आएंगे, ठीक है। तो प्लीज उस थ्योरम को बहुत ध्यान से और बहुत आराम से समझना, ठीक है। मैं इस चीज को हटाता हूँ और थ्योरम समझाता हूँ, हटा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, ओके ठीक है ना। एक आपको पता होगा, आप प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो गेट के, लगभग बहुत बार क्वेश्चन है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बताओ। जैसे एक सेट दे देंगे उसका साइज 4 है, तो उसमें आपसे पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बताओ भाई, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। तो ये कैसे आएंगे, कैसे हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, उसके लिए मैं आपको एक थ्योरम बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखो भाई थ्योरम क्या कहती है, मैं वही बात है, मतलब स्टेटमेंट बाद में लिखता हूँ, पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो भाई हमारे पास कोई पेरेंट सेट ए है, ठीक है, उस ए पे जितनी भी इक्विवेलेंस रिलेशंस बन सकती हैं वो मैं एक सेट की फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, से R1, R2, R3 डॉट 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 डॉट, बहुत सारी इक्विवेलेंस रिलेशन बनते होंगे, उन सबका मैंने एक सेट मान लिया ये, ठीक है, ओके। अच्छा जितने भी हमारे पास क्वेश्चन सेट बनते होंगे उसका भी मैं एक सेट बना रहा हूँ। तो क्वेश्चन सेट आपको पता है क्या होता है भाई, A/R1 है ना, A/R2, A/R3 डॉट 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 डॉट, तो ये तो आप कॉमन सेंस से गेस कर पा रहे होगे, R1 है तो A/R1 उसके कोरिस्पोंडिंग क्वेश्चन सेट होगा, कोई इक्विवेलेंस रिलेशन R2 है तो उसके कोरिस्पोंडिंग A/R2 क्वेश्चन सेट होगा, एंड सो ऑन। और A/R2 में आपने क्या करा होगा, कुछ नहीं भाई, R2 में हमने इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगी, हमने जो भी रिलेशन बना रखी होगी, दैट इज मतलब जैसे ये देखो, जैसे अभी दिखाया भी है, अभी क्यों मैं इतना टाइम पास कर रहा हूँ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, बट स्टिल मैं दिखा रहा हूँ। जैसे R1 हमने मान ली से 1 1, 2 2, 3 3, ठीक है, और 1 2 2 1, ठीक है, ये एक हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन R1 है। तो क्वेश्चन सेट बताना, तो आप बड़े आराम से इसका क्वेश्चन सेट नहीं बता सकते क्या, A/R1 आप मुझे क्या बड़े आराम से बताओगे, आप क्या करोगे इक्विवेलेंस क्लासेस निकालोगे, है ना, 1 की 2 की 3 की, और जो भी यूनिक इक्विवेलेंस क्लासेस होंगे उनका एक सेट बना दोगे, दैट इज आवर क्वेश्चन सेट। तो कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब सिंपल बात है, हर एक इक्विवेलेंस रिलेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे को एक क्वेश्चन सेट जरूर मिलेगा, बिल्कुल एक यूनिक, और अलग मल्टीपल नहीं मिल सकते, क्योंकि जो भी इक्विवेलेंस रिलेशन में लिखूंगा इक्विवेलेंस क्लासेस में एक किस्म से यूनिक तरीके से दिखाऊंगा उनको, और जो यूनिक इक्विवेलेंस क्लासेस आएंगी उनका एक सेट बना दूंगा, उसको हम क्वेश्चन सेट बोलते हैं। तो कॉमन सेंस की बात आप समझ पा रहे होंगे, R1 के कॉरेस्पॉन्डिंग A/R1, R2 के कॉरेस्पॉन्डिंग A/R2, तो मतलब सिंपल बात यह है कि इक्विवेलेंस रिलेशन और क्वेश्चन सेट में 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब जितनी एक पेरेंट सेट ए पे इक्विवेलेंस क्लासेस बनेंगे ऑब्वियसली उतने ही क्वेश्चन सेट बनेंगे, बात बराबर। अच्छा अब एक बात ये सोचो, थर्ड सेट में मानता हूं पार्टीशन का π1 π2, है ना, पार्टीशन याद है ना, पाई से रिप्रेजेंट करा रहे थे, π2 π3 डॉट 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 डॉट, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था पार्टीशन बोलना और क्वेश्चन सेट बोलना एक ही बात, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रूव करी है, तो बस तो ऐसे समझ लो इनके बीच में भी 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है ना, बिल्कुल जब दोनों सेम चीज है तो एक ही है ना, वैसे एक अलग अलग दिखा दिया, अलग दिखाने की जरूरत नहीं है, दोनों सीधे एक बराबर है, ठीक है। हाँ जी, तो फाइनली हम क्या कह रहे हैं, इनके बीच में 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस आएगी, तो मतलब जितने क्वेश्चन सेट होंगे उतने ही पार्टीशन होंगे, बस यही कहती है जी थ्योरम। थ्योरम क्या कह रही है कि देयर इज 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्वेश्चन सेट एंड पार्टीशन। तो वही चीज है ना, फिगर इज वर्थ ऑफ 1000 वर्ड्स, ये कहावत है ना, बिल्कुल वही चीज है। तो फिगर बना करके मैंने आपको समझा दिया, तो स्टेटमेंट बोलो ना बोलो अब मेरे लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आपको इस फिगर से जो थ्योरम है एग्जैक्टली वो आपको समझ में आ चुकी है। अब इसका फायदा देखो मैं क्या उठाऊंगा, मेरे को नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन गिननी है इस सेट पे, मतलब सेट ए पे कितनी इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगी वो मुझे पता लगानी है। आपको पता है इक्विवेलेंस रिलेशन की क्या खास बात है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, तीनों चीज होनी चाहिए।
रिफ्लेक्सिव कितनी बनती है एक सेट ए पे आप निकालना जानते हो, फॉर्मूला है आपके पास। सिमेट्रिक कितनी बनती है उसके लिए भी फॉर्मूला है। ट्रांजिटिव के लिए मैंने आपको बताया था कोई फॉर्मूला नहीं, दैट इज वेरी वेरी टफ, वो हमारे गेट के सिलेबस के बाहर की चीज है, क्वेश्चन नहीं आएगा उस पर, है ना, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वो सब गिनना। तो फिर इक्विवेलेंस रिलेशन की हम गिनती तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक वाली बात तो हम कर जाएंगे, ट्रांजिटिव वाली बात तो मैं नहीं कर पा रहा ना, तो वो बहुत मुश्किल काम है। अब मैंने भी आपको प्रूव कर दिया कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टीशन, क्योंकि इसमें 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, इसमें 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, तो बाकी बात है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन और पार्टीशन में भी 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होगी। अच्छा, अब एक सेट ए के कितने पार्टीशन बन सकते हैं इसका तरीका है मेरे पास, मैं अभी आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। तो जितने पार्टीशन बनेंगे एक सेट के उतने ही मेरी इक्विवेलेंस रिलेशन होंगी, बात खत्म। ये फायदा था मेरी थ्योरम का, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूं, मैं एक पहले मैं साइड में होता हूं, आप प्लीज इन चीजों को फटाफट से नोट डाउन करो अच्छे से, फिर मैं इसको रब करूंगा और इस थ्योरम की फॉर्मल स्टेटमेंट आपको लिख के दिखाऊंगा और मैं आपसे पूछूंगा कि क्या बात ठीक है क्या बात गलत है, ठीक है। ओके, चलो मैं साइड में रहा, फटाफट नोट डाउन करो, ठीक है। आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इस चीज को हटाता हूं और अब फॉर्मल स्टेटमेंट लिखूंगा, ठीक है। स्टेटमेंट लिखते ही आपको समझ में आ जाएगी क्योंकि एक्चुअल थ्योरम आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो देखो भाई, दो स्टेटमेंट मैं लिखूंगा, ठीक है। ओके, द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट, इफ आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए, देन ए बाय आर इज यूनिक पार्टीशन ऑफ ए, ए बाय आर इज यूनिक पार्टीशन ऑफ ए। सेकेंड स्टेटमेंट है, इफ pi is partition of A, partition of set A, then there exists unique equivalence relation R such that A by R is equal to pi, ठीक है। बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है, पढ़ते ही आपको समझ में आ गई, मेरे को एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। देखो फटाफट मैं पहली स्टेटमेंट बोल देता हूं, फिर भी If R is equivalence relation on A, कोई सेट A होगा, उसमें मैंने कोई equivalence relation R सोच ली, A by R, मतलब समझ पा रहे होगे question set, तो वही वो question set एक unique partition होगा A का। तो indirectly मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी equivalence relation है, उसके corresponding एक unique question set होगा और उस question set के corresponding एक unique partition होगा। तो similarly हम बात ये कह सकते हैं कि अगर R को equivalence relation है, तो उसके corresponding एक unique partition होगा। I think आप समझ पा रहे होगे, है ना? ये समझ आ रहा है ना? R equivalence relation है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक यूनिक पार्टी एक क्वेश्चन सेट होगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक यूनिक पार्टीशन होगा। तो इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस रिलेशन आर के कॉरस्पॉन्डिंग एक यूनिक पार्टीशन होगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड थ्योरम क्या कह रही है, इफ पाई इज पार्टीशन ऑन सेट ए, ये बिल्कुल इनवर्स बात है। इफ पाई इज, ये देखो यही से मैं चलूंगा, इफ पाई इज अ पार्टीशन ऑफ सेट ए, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इक्विवेलेंस रिलेशन आर सच दैट ए बाय आर इज इक्वल टू पाई, ठीक है जी। पाई से ए बाय आर पे आ गया, ए बाय आर से आर पे आ गया, आई थिंक आप समझ गए होंगे, है ना। तो ये पहली स्टेटमेंट और ये दूसरी, ये एक दूसरे की कन्वर्स है, आप समझ पा रहे हो, है ना। तो बस हम यहाँ से इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं, ये इन दोनों बातों की समरी बस ये है कि देयर एग्जिस्ट 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, ये बात अच्छी है भाई, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन सेट ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन एंड पार्टीशन ऑफ सेट ए, ठीक है। देयर एग्जिस्ट 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन सेट ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस एंड सेट ऑफ पार्टीशंस, सेट ऑफ पार्टीशन ऑफ ए, मतलब ये सेट है जितनी भी इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकती हैं, सेट ए पे जितनी भी इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकती हैं उसका मैंने एक सेट बना दिया। अच्छा, इसी सेट ए पे जितने भी पार्टीशंस बन सकते हैं उसका भी मैंने एक सेट बना दिया। और मैं बोल रहा हूँ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब हर एक रिलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग एक पार्टीशन होगा और हर एक पार्टीशन के कॉरस्पॉन्डिंग एक रिलेशन होगी, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन होगी, ठीक है। यही मतलब होता है 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस का। तो जब भी 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस आएगी तो आप समझ पा रहे होगे, 1-to-1 समझ पा रहे ना, एक एक हर एक एलिमेंट एक एक एलिमेंट से ही रिलेट कर रहा है, मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट यहाँ पे एक्जैक्टली एक एलिमेंट से ही रिलेट कर रहा है, ठीक है। हर एक के साथ ये चल रहा है, तो बस पक्की बात है जितने एलिमेंट्स यहाँ होंगे उतने एलिमेंट यहाँ होंगे, तो मतलब जितने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे उतने ही पार्टीशन होंगे, आई थिंक आप समझ गए। तो बस अब हमारी थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास काफी सारे क्वेश्चंस हैं, मैं वो क्वेश्चंस एक बार फटाफट से लिख लेता हूँ और फिर मैं आपसे उनके आंसर्स पूछूंगा और उसके बाद फिर मैं अपना नंबर्स पे जंप कर लूंगा कितने इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है। मैं साइड में रहूं, आप फटाफट इसको नोट डाउन करो और उसके बाद फिर मैं क्वेश्चंस लिख के उनको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। ओके,
तो देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, मैं फटाफट से इनको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, पेरेंट सेट ए है 1 2 3 4, रिलेशन आर गिवन है, दैट इज आवर इक्विवेलेंस रिलेशन, और आपसे पूछ रहे हैं ए बाय आर और पाई बताओ। ठीक है, गिवन है कि दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, हाँ जी, और आपसे पूछ रहे हैं ए बाय आर मतलब क्वेश्चन सेट बताओ और पाई बताओ, पाई मतलब पार्टीशन बताओ। बहुत सिंपल है भाई, ए इक्विवेलेंस रिलेशन है तो पहला काम क्या होगा, हम लोग इक्विवेलेंस क्लासेस निकालेंगे। वन की क्या निकलेगी भाई, वन टू है ना, वन देखो वन से रिलेट कर रहा है और टू से रिलेट कर रहा है। अच्छा जी, टू की क्या निकलेगी भाई, यही अगेन वन टू, आप चेक कर सकते हैं, देखो टू टू से रिलेट कर रहा है और टू वन से भी रिलेट कर रहा है। अच्छा जी, थ्री की देखो भाई, थ्री की सिर्फ थ्री निकलेगी और फोर की सिर्फ फोर निकलेगी, है ना, क्योंकि थ्री सिर्फ थ्री से रिलेट कर रहा है, फोर सिर्फ फोर से रिलेट कर रहा है। ठीक है जी, आगे इक्विवेलेंस क्लासेस, अब यूनिक कितनी आई है भाई, ये तीन यूनिक है, तो बस अब आप इनको सेट फॉर्मेट में लिख दो, हमारा काम खत्म। तो ए बाय आर विल बी इक्वल टू व्हाट, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये सेट्स ऑफ सेट्स हो गया, है ना, दिस इज आवर क्वेश्चन सेट। ठीक है जी, क्वेश्चन सेट निकल गया तो आपको पता है दोनों एक ही बात है, पार्टीशन बोलो या क्वेश्चन सेट बोलो, तो यही पाई है यही क्वेश्चन सेट है। ठीक है जी, अच्छा, तो पाई को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करा सकते हैं, और एक तरीका और है मेरे पास, मैं 1 2 ऐसे बार लगा देता हूँ, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो जो पेरेंट सेट था 1 2 3 4, तो मैंने क्या किया, जो 1 2 इकट्ठे थे तो उस पर एक ऐसे बार लगा दो, मतलब ये एक सेट है, 3 एक सेट है और 4 एक सेट है। ठीक है, बस ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका और कुछ नहीं, इस तरीके से भी हम लोग पाई को रिप्रेजेंट करा सकते हैं, आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है जी, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन था, और वैसे मैं यहाँ पे ये भी पूछ सकता था कि कितने ए बाय आर और कितने पाई निकलेंगे। देखो सीधी सी बात है भाई, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, मैंने आपको बताया हर एक इक्विवेलेंस रिलेशन के कोरस्पॉन्डिंग एक यूनिक हमें क्वेश्चन सेट मिलेगा और एक यूनिक पार्टीशन मिलेगा, तो वही बात है, यूनिक ही निकला है, एक से ज्यादा निकलने का कोई मतलब नहीं है, थ्योरम में मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखो, पाई हमें गिवन है, ये 1 2 3 4, फाइंड आर एंड ए बाय आर, मतलब क्वेश्चन सेट निकालना है और इक्विवेलेंस रिलेशन निकालनी है, बताओ भाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताता हूँ मैं कैसे करेंगे इसको, हटा रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, हाँ जी, अच्छा एक बात पहले मुझे ये बताओ, हमारे पास एक पार्टीशन गिवन है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी इक्विवेलेंस रिलेशन निकलेंगे, मैंने अभी एक थ्योरम में समझाया था, सिर्फ एक निकलेगी, एक से फालतू में निकलेगी। ए बाय आर क्वेश्चन सेट है तो बकवास बात है, क्वेश्चन सेट और पार्टीशन तो एक ही बात है ना, तो वो ऑब्वियसली एक ही निकलेगा। हाँ जी बता दो जी फटाफट, तो ए बाय आर में तो कोई काम ही नहीं है, यही बोल देना ये दिस इज आवर ए बाय आर ओनली, है ना, मैं लिख देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, ए बाय आर विल बी इक्वल टू व्हाट, एज इट इज उठा के लिख दो भाई, 1 2 3 और 4। ठीक है, दैट इज आवर क्वेश्चन सेट। अब मेन बात आएगी कि मैं इस क्वेश्चन सेट या जो भी पार्टीशन हमें गिवन है, यही क्वेश्चन सेट है, यही पार्टीशन है ना, काफी बार बोल चुका हूं मैं, हाँ जी, तो मेन बात अब ये आएगी कि इससे मैं रिलेशन तक कैसे पहुंचूं, जो इक्विवेलेंस रिलेशन है वहां तक कैसे पहुंचूं। बहुत सिंपल तरीका है भाई, देखो हर एक पार्टीशन को ना, मतलब ये जो भी, सॉरी पार्टीशन नहीं बोलना चाहिए इसको, जो भी इक्विवेलेंस क्लास है, अगर क्वेश्चन सेट बोल रहा हूँ तो मैं इनको इक्विवेलेंस क्लास बोलूंगा, और अगर पार्टीशन है तो पार्टीशन में मैं इसको क्या बोल रहा था, ब्लॉक्स बोल रहा था, है ना, तो आप ब्लॉक बोल दो इसको या फिर आप बोल दो इक्विवेलेंस क्लास, हर एक को खुद से क्रॉस प्रोडक्ट करा दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं बोलता हूँ पाई में हमारे पास a1 a2 a3, ये तीन आए हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे भाई, रिलेशन कैसे निकलेगी, a1 क्रॉस a1 यूनियन a2 क्रॉस a2 यूनियन a3 क्रॉस a3। ठीक है, तीनों का यूनियन करवा दो, आपके पास आंसर आ जाएगा, आई थिंक आप समझ पा रहे हो, तो कुछ काम बचा नहीं, आप करो फटाफट। 1 2 है तो 1 2 का क्रॉस करा, 1 2 के साथ कराऊं, वैसे तो आप समझ पा रहे हो, चलो कोई नहीं करा देता हूं। ठीक है, ये लो 1 2, और दोबारा से लिखेंगे 1 2, क्रॉस वर्ड कराओ, क्या क्या बनेगा भाई, 1 1 1 2 2 1 और 2 2। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर हैं ये सारे के सारे। अच्छा जी, अब इसका यूनियन हमें किसे कराना होगा, 3, तो 3 का 3 के साथ क्रॉस वर्ड कराएंगे तो क्या निकल जाएगा, 3 3, है ना, तो उसमें तो कोई टेंशन नहीं है, 3 3। 4 का 4 के साथ कराएंगे तो क्या निकल जाएगा भाई, 4 4। ठीक है, तो यूनियन करवाना था तो हमने सिंपली चुपचाप से ऐड कर दिया, कॉमन कॉमा कॉमा लगा लगा करके ऐड कर दिया, तो बस यही होगी हमारी रिलेशन आर, समझ गए। तो जनरल फॉर्मूला मैं क्या दूंगा, कोई भी पार्टीशन है या कोई भी क्वेश्चन सेट गिवन है, तो जैसे a1 a2 a3 a4 a2 up to an, कितने भी चल रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हर एक का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कराओ और सबका यूनियन करवा दो। ठीक है, तो a1 क्रॉस a1 यूनियन a2 क्रॉस a2 यूनियन a3 क्रॉस a3 यूनियन a4 क्रॉस a4 a5 क्रॉस a5 एंड सो ऑन अप टू जहां तक जा रहा होगा वहां तक हम चले जाएंगे, सबका यूनियन करा देंगे, हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन रेडी है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, कोई काम ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल बात है। फिर भी ज्यादा से एक और प्रैक्टिस में एक और क्वेश्चन करा देता हूं, क्योंकि मेरे को इतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं होती है एक्चुअली, और कोई क्वेश्चन इसमें है नहीं, तो मैं एक बार लिख देता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हटा रहा हूं मैं इसको। ठीक है, हाँ जी, तो जैसे देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन मैं एकदम आपको देता हूँ, ए बाय आर बोल दो या पार्टीशन बोल दो। ठीक है, ए बाय आर में बोलता हूँ, ठीक है, या आप इसको पार्टीशन बोल दो, एक ही बात है। ये हमारे पास 1
टू थ्री फोर, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप मुझे इक्विवेलेंस रिलेशन आर बताओ। तो बहुत सिंपल है भाई, इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो वन वन ही तो पैदा होगा, इसका इसके साथ कराएंगे तो टू टू पैदा होगा, इसका इसके साथ थ्री थ्री और इसका फोर फोर, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। तो हर एक के साथ क्रॉस, खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करा देना, वन का वन के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, समझ पा रहे हो, वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर। तो क्वेश्चन बन सकता था कि ये एक ए बाय आर क्वेश्चन सेट आपको दे देते और आपसे पूछते कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेट कॉरस्पॉन्ड्स टू एन आइडेंटिटी रिलेशन, ये आइडेंटिटी रिलेशन बन क्या है ना, तो ये पूछ सकते थे आपसे, है ना, ऐसे दे देते प्रॉपर। पेरेंट सेट ए है हमारे पास वन टू थ्री फोर और ये क्वेश्चन सेट दे देते और आपसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन सेट होते और आपसे पूछते कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेट कॉरस्पॉन्ड टू एन आइडेंटिटी रिलेशन, तो ये एक हमारी आइडेंटिटी रिलेशन बन के आएगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो समझ पा रहे हो, जब हर एक एलिमेंट सिर्फ खुद से, मतलब यू कैन से हर एक इक्विवेलेंस क्लास का साइज सिर्फ एग्जैक्टली वन होगा, तो आई थिंक आप कॉमन सेंस पा रहे होगे वो एक आइडेंटिटी रिलेशन ही बन के आएगी, है ना। मेरे को ज्यादा नहीं खींचना थी, आप समझ गए होगे। तो कुछ भी नहीं करना होता भाई, यही बस क्रॉस प्रोडक्ट कराते जाओ, आपके पास आंसर आता चला जाएगा। हर एक का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कराते जाओ और यूनियन करवा दो, आपके पास आंसर रेडी है, ठीक है। मैंने काफी बार बोल दिया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है भाई, एग्जाम में आ सकते हैं, अभी तक आया नहीं इस टाइप से क्वेश्चन, तो प्लीज आ सकता है, अच्छे से माइंड में फिट करके रखना इन क्वेश्चन को, ठीक है जी। तो दोनों चीजें मैंने आपको दिखा दी, अब देखो वही बात, थ्योरम वाली बात बोलूंगा। पार्टीशन था तो देखा एक यूनिक रिलेशन मैंने आपको निकाल के दिखाई है, तो थ्योरम का एक किस्म से इंडायरेक्टली प्रूफ भी आ गया कि यूनिक इक्विवेलेंस रिलेशन बन के आएगी, उससे एक से ज्यादा फालतू इक्विवेलेंस रिलेशन आपके पास बन के नहीं आ सकती। और ए बाय आर तो आपको पता है यूनिक आना ही आना था, क्योंकि दोनों चीजें सेम, पार्टीशन या क्वेश्चन सेट, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो थर्ड क्वेश्चन की क्या खास बात है, मैंने बहुत बड़ी एक रिलेशन दे दी और मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अच्छा, इसका पेरेंट सेट आप बोलोगे नहीं दिए, पेरेंट सेट यही है भाई ये, ठीक है। मैंने टाइम बचाने की कोशिश करी और कुछ नहीं, तो मैं दोबारा ये लिख सकता था। तो इतनी बड़ी रिलेशन है तो मैं इसको कैसे चेक करूं कि इक्विवेलेंस है या नहीं है। एक तरीका तो वही है, मैंने आपको ज्यादा इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, रिफ्लेक्सिव करो, सिमेट्रिक करो, ट्रांसिटिव करो, से समझ में आ जाएगा। बट एक शॉर्टकट अब मैं यहीं से आपको निकाल के दिखाता हूं, अगर लिस्टिंग फॉर्मेट में भी होगी ना उसके लिए भी मेरे पास एक शॉर्टकट है, मैं अभी आपको निकाल के दिखाता हूं जो मैंने कंसेप्ट बताया उसी से, ठीक है। आप क्या करो, आप यहाँ पे ना ये देखो इक्विवेलेंस क्लास निकाल के देखो, वन की इक्विवेलेंस क्लास होगी। वैसे अभी तक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है तो मेरे को इक्विवेलेंस क्लास नहीं बोलना चाहिए, मेरे को बोलना चाहिए ऐसे प्रॉपर आर ऑफ वन, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास तब बोल पाऊंगा ना जब इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ऐसे कैसे मैं बोल दूं, तो मैं चलो आर ऑफ वन बोलता हूं, वैसे बात बराबर है ना, वन बोलो, वन आर ऑफ वन बोलो या वन बोलो, अगर वन हम तब बोल पाते जब इक्विवेलेंस रिलेशन हो, आर ऑफ वन तो जनरल कंसेप्ट था, तो इसलिए मैं आर ऑफ वन बोल रहा हूँ। बोलो भाई आर ऑफ वन क्या क्या है भाई, वन वन से रिलेट कर रहा है, वन टू से रिलेट कर रहा है, वन थ्री से रिलेट कर रहा है, और किसी से कर रहा है रिलेट, वन नहीं कर रहा, ठीक है जी। आर ऑफ टू बोलो भाई, आर ऑफ टू क्या है, टू किस किस से रिलेट कर रहा है भाई, टू वन से, टू टू से, टू थ्री से, तो वन टू थ्री। आर ऑफ थ्री बोलो भाई, आर ऑफ थ्री, थ्री वन से, थ्री टू से, थ्री थ्री से, तो लो जी वन टू थ्री। और आर ऑफ फोर बोलो भाई, आर ऑफ फोर, फोर से अकेला इससे रिलेट कर रहा है, हाँ जी आ गया। अच्छा, अब आपको याद होगा क्वेश्चन सेट हम लोग कैसे बनाते थे, ए बाय आर, ए बाय आर विल बी इक्वल टू व्हाट, यूनिक इक्विवेलेंस क्लासेस, अगर मैं ज़ूम कर लेता हूं कि इक्विवेलेंस क्लास है तो यूनिक लिख लो इसमें से, ये तीनों तो सेम ही निकल के आ रही है, हाँ जी, तो वन टू थ्री और फोर, ठीक है, ऐसे मैंने सेट में लिख दिया। अब आप चेक करो क्या ये पार्टीशन है, अगर ये पार्टीशन हुआ मेरा काम खत्म है, और आप एक झटके में देखते बताएंगे कि ये पार्टीशन है। अगर ये पार्टीशन आ गया तो आप समझ पा रहे हो ना, पार्टीशन आ गया तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन जरूर रही होगी, क्योंकि मैंने बोला वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस है भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन और पार्टीशन, देखा कितना अच्छा एक झटके में शॉर्टकट निकल के आया। इतनी बड़ी रिलेशन थी इक्विवेलेंस रिलेशन, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने बस फटाफट से आर वन आर टू आर थ्री आर फोर लिख दिया, मतलब से वही बात, इक्विवेलेंस क्लासेस लिख दी, क्वेश्चन सेट बना दिया, क्वेश्चन सेट बनाने के बाद देखा मैंने क्या ये पार्टीशन है क्या, आप एक झटके में बताओगे, हाँ जी बोलो जी पार्टीशन है क्या, मैं इसको कैसे बोलूंगा भाई, वन टू थ्री रिलेटेड है और फोर एक ऐसे है, है ना। तो आप बोलो भाई देखो ये तीन कंडीशन थी ना, एम्प्टी होना चाहिए, जो भी हमारे पास ब्लॉक्स है वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए, हाँ जी, तो दोनों दो ब्लॉक्स है, दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी है। दूसरी कंडीशन क्या थी भाई, डिसजॉइंट होना चाहिए, हाँ जी, दो ब्लॉक्स है, दोनों के दोनों डिसजॉइंट है। और तीसरी कंडीशन क्या थी भाई, इनका यूनियन करवाओ, दोनों ब्लॉक्स का यूनियन करवाओ, आपके पास पेरेंट सेट आ जाना चाहिए, हाँ जी पेरेंट सेट हमारे पास वन टू थ्री फोर आ रहा है, तो बस दिस इज अ पार्टीशन, और ये पार्टीशन है तो पक्की बात है इक्विवेलेंस रिलेशन है, काम खत्म। देखा कितना आसान काम हो गया, कितना अच्छा और कितने बढ़िया तरीके से आंसर निकाल के एक झटके में, ठीक है। अब चलो मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, पहले फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, चलो आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। अच्छा जी, अब मैं ये चीज हटा देता हूं बस, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो कोई टेंशन नहीं है भाई, देखो वन टू थ्री, वन टू थ्री, अच्छा टू के केस में मैंने थ्री हटाया ना, तो लो जी ये हट गया, ठीक है जी, हाँ जी, तो अब बस बाकी सब यही है। जब आप ए बाय आर करोगे तो आप क्या बोलोगे भाई, यूनिक लिखने है ना, वन टू थ्री, वन टू और फोर, वन टू थ्री, वन टू और फोर,
ऐसे सेट फॉर्मेट में प्रॉपर लिखना। बोलो भाई क्या ये पार्टीशन है? पार्टीशन नहीं है। क्यों पार्टीशन नहीं है? क्योंकि देखो भाई 1 2 3 और 1 2 डिसजॉइंट होने चाहिए थे, डिसजॉइंट कहेंगे वही बात खत्म है ना। वैसे आपको पता भी होगा जब हमने आपको बताया था प्रॉपर्टी समझाई थी ना इक्विवेलेंस क्लासेस की, तो ये इक्विवेलेंस क्लास है, ये इक्विवेलेंस क्लास है, ये दोनों ऐसे पॉसिबल है ही नहीं। मैंने बोला था तो बिल्कुल सेम होंगे, डिस्जॉइंट होंगे, कि बीच में कुछ कुछ कॉमन है कुछ कुछ कॉमन नहीं, वहीं पे काटा लगा देना। तो इनडायरेक्टली मैंने ये भी बता दिया ये पार्टीशन नहीं है, है ना। तीनों कंडीशन फुल नहीं ना, देखो नॉन एम्प्टी वाली बात तो है, लेकिन मैंने दूसरी कंडीशन क्या कहती थी, डिस्जॉइंट होनी चाहिए, ये दोनों डिस्जॉइंट नहीं है, वही काम खत्म। इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो इतनी बड़ी रिलेशन थी एक झटके में आप आंसर कर गए, देखो कितनी अच्छी बात है। तो ये फायदा निकाल के आया, इसलिए हम बोलते हैं, मैं बार बार बोलता रहता हूँ, नॉलेज इज पावर। जितनी ज्यादा आपके अंदर नॉलेज होगी ना, उतने ज्यादा आप शॉर्टकट्स बैठे बैठे अपने आप निकाल देंगे, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा सब लोगों को, तो इसलिए चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करते रहा करो हर बार। चलो जी अगला क्वेश्चन आओ। फॉर एनी इक्विवेलेंस रिलेशन आर मोर देन वन पार्टीशन इज पॉसिबल, ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, बताओ भाई। फॉर एनी इक्विवेलेंस रिलेशन आर मोर देन वन पार्टीशन इज पॉसिबल, नो एक्जैक्टली एक पार्टीशन होता है वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस की। अगला, फॉर एनी पार्टीशन ऑन सेट ए मोर देन वन इक्विवेलेंस रिलेशन इज पॉसिबल, नो। मैंने अभी बताया था पार्टीशन इक्विवेलेंस रिलेशन वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस है, थ्योरम से बात निकालेंगे दोनों के दोनों फॉल्स है, आ सकते हैं एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। अभी तक आया नहीं है तो अच्छी बात है, ये आ सकते हैं क्वेश्चन। अगला, ऑन एनी सेट ए मोर देन वन इक्विवेलेंस रिलेशन इज पॉसिबल, हाँ जी बिल्कुल, ये तो ऑब्वियस ही बात है भाई, बहुत सारी बनती है इक्विवेलेंस रिलेशन, जरूरी थोड़ी है कि एक ही बनेगी, कोई भी सेट ए उठा लो मोर देन वन पॉसिबल बोला ना। आप बोलोगे कि कोई सेट ए तो दिया नहीं, तो मैं कैसे बताऊं पॉसिबल है या नहीं है, मोर देन वन बनेगी या एक ही बनेगी एंड सो ऑन। अरे ऑब्वियस ही बात है, इसने बोला सीधा पॉसिबल है या नहीं है, तो आप कोई ऐसा, इनका ये कहने का मतलब है आप मेरे को कोई एक ऐसा सेट ए दे दो जिस पे मोर देन वन इक्वल रिलेशन बनती हो। हाँ जी बहुत सारे सेट है, ये लो ये पकड़ दो, इस पे बहुत सारी इक्वल रिलेशन बनेगी, एक थोड़ी बनेगी। आई थिंक आप कॉमन सेंस से गेस कर पा रहे होंगे, है ना। दो तो इनफैक्ट मैंने आपको दिखाई दिए, ये देखो एक तो ये बार बार मैं लेके चल रहा हूँ, और एक आइडेंटिटी रिलेशन, दोनों इक्वल रिलेशन है, बहुत बनती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा अगले क्वेश्चन पे आओ भाई, तो ये स्टेटमेंट ट्रू थी। हाँ जी, क्वेश्चन सेट ऑन एनी इक्विवेलेंस रिलेशन कैन बी यूसीआई, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बताओ भाई। क्वेश्चन सेट ऑफ एनी इक्विवेलेंस रिलेशन, देखो इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे पास है, उसका मैं क्वेश्चन सेट बनाऊंगा, है ना, मतलब सेट ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस, और मैं आपसे पूछता हूँ क्या वो अनकाउंटेबल हो सकता है, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट हो सकता है। हाँ जी, क्योंकि देखो क्वेश्चन सेट है वो भी एक सेट है ना, सेट ऑफ सेट है वो एक्चुअली, तो वो भी अनकाउंटेबल इनफाइनाइट बड़े आराम से हो सकता है। एग्जांपल याद करके बताओ, एग्जांपल आपको याद आ रहा होगा, मैंने जो पैरेलल लाइंस वाला एग्जांपल दिया था प्रीवियस क्लास का, याद करो पैरेलल लाइंस वाला, याद आ रहा है मैंने बोला था ना, से आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज पैरेलल टू वाई ऑन सेट ऑफ लाइंस इन प्लेन, ठीक है। तो सेट ऑफ लाइंस इन प्लेन पे मैंने बोला था, और मैंने बोला था कि पैरेलल कब होती है, जब सेम स्लोप आती है, तो सेम स्लोप जैसे स्लोप वन होगी तो हमारे पास बहुत सारी पैरेलल लाइंस होंगी, वो उसकी इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगी, समझ में आ रहा है ना। वन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक इक्विवेलेंस क्लास मिलेगी, टू के कॉरस्पॉन्डिंग मिलेगी, 1.01 के कॉरस्पॉन्डिंग मिलेगी, डॉट 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 डॉट। तो हर एक स्लोप, जितनी स्लोप्स पॉसिबल हो, और स्लोप क्या होता है, एक रियल नंबर होता है, तो जितनी स्लोप्स पॉसिबल है हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग एक एक हमें इक्विवेलेंस क्लास मिलेगी। तो उन इक्विवेलेंस क्लासेस का जब मैं सेट बनाऊंगा तो पक्की बात है अनकाउंटेबली इनफिनिट आएगा, क्यों, क्योंकि ये जो ये हम ये लिख रहे हैं ना, रियल नंबर से जो लिख जा रहे हैं ना, रियल नंबर आपको पता है अनकाउंटेबली इनफिनिट होते हैं, वही बात खत्म। आई थिंक आप समझ गए होंगे दिस इज पॉसिबल, ठीक है। हाँ, बट एक क्वेश्चन मेरे मन में और आ रहा है, अगर मैं आपसे पूछता कि इंडेक्स ऑफ एनी इक्विवेलेंस रिलेशन इज यूसीआई, ये मैंने अभी आपको प्रीवियस क्लास में समझाया था, दिस इज फॉल्स। इंडेक्स इज अ नंबर, वो सेट नहीं है। इंडेक्स क्या है भाई, नंबर ऑफ यूनिक इक्विवेलेंस क्लासेस, तो नंबर कैन बी इनफिनिट, ठीक है, मतलब एक्चुअली इनफाइनाइट इज नॉट अ नंबर, ये सब इमेजिनरी कांसेप्ट है, बट स्टिल अब नंबर जबरदस्ती बोलना है तो फिर हम इनफाइनाइट के पास रखेंगे, देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबल यू कैन से यूनिक इक्विवेलेंस क्लासेस फॉर अ सेट, ठीक है। तो वो नंबर है ना, नंबर है, तो बस हम यहाँ पे उसको यूसीआई नहीं कह सकते, वो सेट नहीं है, तो वहां पे हम सिर्फ इनफाइनाइट कह के भागेंगे, बट ये एक सेट है, क्वेश्चन सेट इज अ सेट, तो इसलिए हम इसको अनकाउंटेबल इनफाइनाइट कह सकते हैं। तो समझ गए होगे आप लोग, इंडेक्स के बारे में अगर आपसे पूछेंगे कि इंडेक्स ऑफ एनी इक्विवेलेंस रिलेशन इज यूसीआई, नेवर पॉसिबल, बकवास बात है बिल्कुल, क्योंकि इंडेक्स इज अ नंबर, ठीक है। तो आपको नंबर कह के जाना, ज्यादा ज्यादा आप इन्फिनिटी कह के भाग सकते हो, बट अगर आपसे पूछते कि क्वेश्चन सेट ऑफ एनी इक्विवेलेंस रिलेशन कैन बी यूसीआई, हाँ जी बिल्कुल यूसीआई हो सकता है, ठीक है। चलो मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। मैं साइड में होता हूँ, फटाफट से आप इन क्वेश्चन को नोट डाउन करो, उसके बाद फिर मैं नंबर पे आ जाता हूँ कि हाउ कैसे हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करेंगे, मतलब एक सेट ए है उसके अंदर चार एलिमेंट्स है, उसके कितनी इक्विवेलेंस रिलेशन पॉसिबल है वो मैं अब आपको बात करूँगा, ठीक है जी। ओके, मैं साइड में फटाफट नोट डाउन करो, ठीक है। आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैसेज को हटाता हूँ, और अब हम लोग बात करेंगे कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कैसे निकालें, ठीक है। कोई भी सेट ए गिवन है, उसका कोई भी साइज होगा, तो उस पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कैसे निकालेंगे। अच्छा, कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास एग्जैक्ट, मेरे पास एक तरीका है, तो मैं आपको तरीका बता दूंगा,
ठीक है, आपको याद आ रहा होगा, मैंने बताया भी था आपको वैसे प्रीवियस क्लासेस में कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस निकालने का हमारे पास कोई फॉर्मूला तो नहीं है, बट कोई प्रोसीजर है, तो मैं वो आपको बस प्रोसीजर दिखाऊंगा, स्टैंडर्ड मेथड है और कुछ नहीं। ठीक है, पहली बात तो जरा मेरे को थ्योरम से याद कराओ कितनी इक्विवेलेंस रिलेशन होंगी। देखो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन सेट ए दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ ए, है ना, ये मैंने आपको थ्योरम से भी समझाया था। अच्छा जी, तो बस इसी कंसेप्ट का मैं यूज करूंगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना थोड़ा मुश्किल काम है, बट नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑन ए गिनना ये इजी काम है, तो मैं ये गिन दूंगा। अगर मैंने इसको गिन के बता दिया तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन भी साथ साथ आ गई, क्योंकि दोनों नंबर्स बराबर होंगे, है ना। बस मैं आपको गिनने का तरीका सिखाता हूँ। देखो, सेट ए है, उसके अंदर मान लेते हैं ऐसे चार एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, और मैं आपको कहता हूँ उसके कितने पार्टीशंस बन सकते हैं। ठीक है, तो गिनने का तरीका देखो भाई, मैं बोलूंगा पार्टीशन का साइज क्या क्या हो सकता है, पहले मुझे ये समझाओ। देखो, पार्टीशन का साइज या तो 1 होगा, मतलब एक ही पार्टीशन मैंने बना दिया, है ना, मतलब एक ही ब्लॉक रखा, समझ पा रहे हो, पार्टीशन का साइज मतलब नंबर ऑफ ब्लॉक्स, तो एक ही ब्लॉक रखा ऐसा पॉसिबल है, या दो ब्लॉक्स रख लिए, या तीन ब्लॉक्स रख लिए, या चार ब्लॉक्स रख लिए, पांच का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि हर एक ब्लॉक नॉन एम्प्टी होना चाहिए, आपको पता होगा, है ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम चार ब्लॉक्स बना सकते हैं। चलो बताओ भाई, अगर मैंने एक ही ब्लॉक रखा तो कितने वेज हैं भाई पार्टीशन बनाने के, ऑब्वियसली ये एक ही तरीका है, क्या तरीका क्या है भाई, सारे के सारे एक ही में रख दो, 1, 2, 3, 4, बस, और तो कोई वे आउट है नहीं, समझ पा रहे हो ना, एक ही ब्लॉक अगर मेरे को रखना है तो मैं ऐसे रख के भाग सकता था। ठीक है, तो ऐसे सेट में प्रॉपर ऐसे लिख देना, पार्टीशन इज अ सेट ना, तो सेट के अंदर मैंने सिर्फ एक ही सेट रखा है एज इट इज, मतलब एक ही ब्लॉक मैंने बनाया है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये दो ब्रैकेट्स अच्छे से लगाना भाई, ताकि आपको याद रहे, ये तो होगी, ये वाली ब्रैकेट्स किसके लिए है भाई, क्योंकि पार्टीशन इज अ सेट। ठीक है, अच्छा, और ये अंदर वाली ब्रैकेट्स किसके लिए है भाई, ये आपको समझाने के लिए कि उसमें सिर्फ एक ही सेट है और कुछ नहीं। अच्छा जी, तो अब आप जरा मुझे बताओ, दो अगर हम कहें कि हमें दो ब्लॉक्स बनाने हैं पार्टीशन के अंदर, मतलब ये देखो, ये हमारा पार्टीशन होगा, तो अंदर ऐसे हमें दो ब्लॉक्स बनाने हैं, तो अब आप मुझे बताओ कितने वेज हैं। तो अगर मैं इसको कॉम्बिनेटोरिक से लिंक करूं ना, तो मैं आपको बताऊंगा, ये याद है आपको डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम शायद वीडियो नंबर 76 था, मुझे याद नहीं एक्जैक्टली, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम देखो भाई, इसमें कॉम्बिनेटोरिक्स की प्लेलिस्ट में, ठीक है, कॉम्बिनेटोरिक्स की प्लेलिस्ट में डिस्ट्रीब्यूशन देखो, उसमें मैंने ये सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ आपको अच्छे से, और उसमें मैंने बताया था ना आपको ऑर्डर्ड पार्टीशन, अनऑर्डर्ड पार्टीशन, है ना, तो ये किस में जाएगा भाई, यूओपी में जाएगा, क्यों, क्योंकि अनऑर्डर्ड पार्टीशन क्यों कहेंगे, क्योंकि देखो भाई डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है हमारे पास, 1, 2, 3, 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है ना, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को मैं आइडेंटिकल बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं ना, आइडेंटिकल क्यों, क्योंकि देखो इन बॉक्सेस पे नंबर नहीं है, मतलब यहाँ 1, 2 डालू या 3, 4 डालू, या फिर यहाँ पे 3, 4 डालू या 1, 2 डालू, को फर्क थोड़ी पड़ेगा, समझ पा रहे हो ना, यहाँ 1, 2 डाल दूं या 3, 4 डाल दूं, या फिर यहाँ 3, 4 डाल दूं, यहाँ 1, 2 डाल दूं, तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है आपको, समझ पा रहे हो, सेट्स ही तो हैं, ओके, इनका कोई लेबल नहीं है ना, तो बस वही बात है, ये आइडेंटिकल ऐसे समझ लो, ये बॉक्सेस है, तो आइडेंटिकल बॉक्सेस है हमारे पास। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे, ये अनऑर्डर्ड पार्टीशन वाली बात है। ठीक है, और वो आपको मैंने पहले पढ़ा रखी है, तो बस उसी तरीके से मैं आपको सिखा दूंगा। हाँ जी, तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, आइडेंटिकल हमारे पास बॉक्सेस हैं, खास बात क्या है कि दो बॉक्सेस हैं हमारे पास, तो ये लो, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, से 1, 2, 3, 4, ठीक है, इनको मेरे को दो बॉक्सेस में डालना है, बट खास बात क्या है कि हर एक बॉक्स में कम से कम एक एक एलिमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कि एक भी एलिमेंट ना हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो ब्लॉक्स है, दे कैन नेवर बी एम्प्टी, तो बस हमारा काम ही खत्म। हाँ जी, तो बताओ भाई मैं इसमें क्या क्या डाल सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल तरीका, जैसे देखो 1, 2 यहाँ डाल सकता हूँ, 3, 4 यहाँ डाल सकता हूँ, 1 यहाँ डाल सकता हूँ, 2, 3, 4 यहाँ डाल सकता हूँ, है ना, तो बहुत सारे वेज हैं, तो कैसे पता लगाऊं, आप कॉमन सेंस से बता पाओगे, आपको अगर याद आ रहा हो यूओपी। हाँ जी, तो क्या कहेंगे भाई, देखो या तो यहाँ पे 1 डालूं, यहाँ पे 3 डालूं, यहाँ पे 2 डालूं, और यहाँ पे 2 डालूं। अच्छा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 बात मत करना, क्योंकि ऑलरेडी वो हो चुकी है, अनऑर्डर पार्टीशन है ना, प्लीज मैं चीजों में बार बार बेसिस में नहीं जाऊंगा, बेसिस में जाऊंगा ना तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप प्लीज मेरा वो अनऑर्डर पार्टीशन वाला वीडियो देखो, वहां पर सारा कुछ समझ में आ जाएगा, और वीडियो कौन सा देखना है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम वाला है ना, उसमें अनऑर्डर पार्टीशन का टॉपिक देखो, वहां सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, मैं यहाँ पे चीजें बार बार नहीं बोलूंगा, फटाफट बोल बोल के भागते जाऊंगा। हाँ जी, 1, 3, 2, 2, अच्छा जी, 1, 3 के लिए क्या वेज होंगे भाई, आपको याद होगा 4 factorial divided by 1 factorial 3 factorial, अच्छा 2, 2 के लिए क्या वेज होगा भाई, 4 factorial divided by 2 factorial 2 factorial, 2 factorial दो बार आया ना, तो एक बार और 2 factorial से मैं डिवाइड कर दूंगा, कैसे कर रहा हूँ प्लीज, मैं बेसिस में बार बार नहीं घुसूंगा, आप डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम का वीडियो देखो, वहां मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ जी, तो बस इन दोनों को ऐड करो, आपके पास आंसर आ जाएगा, तो 2 के लिए कितना आंसर आएगा, अभी देखो भाई 4 factorial divided by 3 factorial, that is nothing but 4 only, 4 plus
अच्छा यहाँ पे वन आ चुका है ऑलरेडी, वन प्लस फोर प्लस, अच्छा ये बताओ कितना आएगा भाई, फोर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टू इंटू टू इंटू एट, तो फोर फैक्टोरियल कितना होता है, ट्वेल्व होता है, तो कितना निकल के आएगा अभी बताओ, ये निकल के आएगा ये फोर डिवाइडेड फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन डिवाइडेड बाई टू इंटू टू इंटू टू, है ना, ये टू टू कैंसल, ये टू ये गया, तो ये निकल के आया जी थ्री, है ना, फोर फैक्टोरियल होता है थिंक 24 होता है ना, हाँ 24 डिवाइडेड बाई एट तो थ्री आएगा, हाँ जी लो जी थ्री ऐड कर देता हूँ साथ में। अच्छा जी अब बताओ तीन बॉक्सेस में डालना है, तो तीन बॉक्सेस में डालने के कितने तरीके होंगे आप समझ पा रहे होंगे, मैं यहाँ यहाँ कर दूँ, ये देखो भाई वन टू थ्री फोर, ये चार एलिमेंट्स हैं, आपको इनको तीन बॉक्सेस में डालना है, तीनों आइडेंटिकल हैं, और खास बात ये कि हर एक बॉक्स में एक एक एलिमेंट जरूर होना चाहिए, तो सीधी सी बात है भाई एक एक एलिमेंट होना चाहिए, तो पहले एक एक एलिमेंट डालो ना, तो एक एक एलिमेंट डाल दिया तो हमारे पास तीन एलिमेंट खर्च हो चुके हैं, अब बचे क्या सिर्फ एक, एक एलिमेंट बचा है, तो एक एलिमेंट कहाँ कहाँ डाल सकते हो, या तो इधर या इधर या इधर, तो ऑब्वियसली टू वन वन सिर्फ एक ही भी आएगा, आप प्लीज मत बोलना ये टू वन वन, वन टू वन और वन वन टू, ये सब मत बोलना, फिर वो बात बेसिस वाली बात है, मैं नहीं घुस रहा इसमें, प्लीज आप अपने अनऑर्डर पार्टीशन का वीडियो देखो, वहां सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ओके, तो एक ही तरीका देखना भाई आपको टू वन वन, हाँ जी, तो कैसे करेंगे भाई, फोर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, फिर देखो वन फैक्टोरियल दो बार ही आया तो टू फैक्टोरियल से फिर से डिवाइड कर देंगे, अगेन क्यों डिवाइड करा है, कहां देखने भाई आपको, बार बार बोल रहा हूँ अनऑर्डर पार्टीशन का वीडियो देखो भाई, रादर ये वीडियो नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है वीडियो, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन टाइटल है वीडियो का, और उसके अंदर अनऑर्डर पार्टीशन का आपको टॉपिक देखना है, ठीक है, प्लीज आपने देखा हुआ तो आपके लिए बहुत आसान होगा, मेरे को समझाना भी नहीं चाहिए, एकदम ट्रिवियल लग रहा होगा आपको, हाँ जी बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा भाई, तो फोर फैक्टोरियल कितना होता है भाई, 24, 24 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 6, है ना, तो प्लस 6 ऐड हो जाएंगी इससे, अच्छा जी, उसके बाद फिर ये जो फोर वेज थे, ये फोर मैंने यहाँ यूज कर लिया, चलो कोई बात नहीं, हाँ जी फोर के लिए बताओ भाई, तो चार बॉक्सेस में डालना है, तो कॉमन सेंस की बात है भाई, वन टू थ्री फोर को चार बॉक्सेस में डालना है, और एक भी बॉक्स एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तो ये तो एक ही तरीका निकलेगा, इसमें क्या टेंशन है, ये देखो एक बक्सा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, चार बक्से है भाई, तो चार ही एलिमेंट्स हैं और कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तो एक ही तरीका है, इसमें क्या टेंशन है ना, ओनली वन वे, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ आ रहा तो लो, फोर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय वन फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, चार बारी वन वन फैक्टोरियल आएगा ना, क्योंकि एक एक एलिमेंट आएगा, और चार बार आया तो फिर चार फैक्टोरियल से मेरे को डिवाइड करना पड़ जाएगा, तो लो जी चार फैक्टोरियल उड़ जाएगा, फाइनली एक ही तरीका निकल के आएगा, और आप समझ पा रहे होंगे, एक यही है भाई, वन टू थ्री और फोर ऐसे डाल दो, अब ये मत बोलना यहाँ टू डाल दिया, यहाँ वन डाल दिया, क्योंकि अनऑर्डर पार्टीशन एनपी को लेबल नहीं है, तो फर्क नहीं पड़ता, थिंक समझ पा रहे होगा, सिर्फ एक ही तरीका निकलेगा, हाँ एक तरीका निकलेगा, तो ऐड करो, बोलो भाई चार और एक पांच, पांच तीन आठ, आठ और एक नौ, नौ और छह पंद्रह, तो टोटल पंद्रह इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे, मतलब पंद्रह पार्टीशन बने हैं, और जितने पार्टीशन उतने इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ठीक है जी हमारे पास 50 निकल के आएंगे, तो ठीक है आप समझ गए होंगे क्या करना है आपको, तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया, तो इस प्रोसीजर का आप यूज करके जैसा भी क्वेश्चन आएगा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट एक बात आप समझ पा रहे होंगे, इक्वल नंबर ऑफ इक्वल, ये जो पेरेंट सेट है चार दे दिया, पांच तक आ सकते हैं, छह सात आठ बहुत बड़ा हो जाएगा, और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है गेट एग्जाम में इसको अटेम्प्ट करना, क्योंकि रियल टाइम टाइम बहुत कम होता है, इतने में इतनी ज्यादा कैलकुलेशंस करवानी लगभग इम्पॉसिबल है, ठीक है, तो इस पे ज्यादा इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे, फाइव के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, तो थ्री के लिए आप अपने आप करेंगे, आपके लिए होमवर्क है, टू के लिए आप अपने आप करेंगे, होमवर्क है ना, फाइव एलिमेंट्स के लिए मैं आपको करा के दिखा देता हूँ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलो बताओ भाई कैसे करोगे, अगर पांच एलिमेंट्स होते तो उसके कितने इक्विवेलेंस क्लासेस बने, सॉरी कितने इक्विवेलेंस रिलेशंस बनेंगे वो मुझे बताना है, मैं पहले साइड में हो रहा हूँ, फटाफट नोट डाउन करो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, हाँ जी हटा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है चलो जी, अब पांच एलिमेंट्स के लिए मुझे बताओ, बहुत सिंपल है, एक परसेंट भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर मैंने बताया है आप बस उसका यूज करो और आपके पास आंसर रेडी है, ठीक है, हाँ जी क्या प्रोसीजर है भाई, वन टू थ्री फोर और फाइव, ठीक है जी पांच एलिमेंट है, वही बोलूंगा भाई पार्टीशन का साइज बोलो भाई, कहां तक कैसे कैसे जा सकता है, या तो साइज होगा वन का या टू का या थ्री का या फोर का या फिर फाइव का, वन का साइज होगा तो आप समझ ही पा रहे हो भाई सारे के सारे एलिमेंट एक ही में चले जाएंगे, तो सिर्फ एक ही पार्टीशन बनेगा उससे, है ना, प्लस मतलब एक ही वे होगा, अच्छा दो बनाने हैं तो दो बनाने के लिए मैं ऐसे कहूंगा, ये देखो ये दो बक्से बन गए और एक एक एलिमेंट इसके अंदर मेरे को डालना पड़ेगा पहले, उसके बिना बात बनेगी नहीं, तो अब बताओ कैसे कैसे बन सकते हैं, देखो या तो यहाँ पे वन हो यहाँ पे फोर हो या फिर यहाँ पे टू हो यहाँ पे थ्री हो, यहाँ पे थ्री तो यहाँ पे टू वो हो चुका है, यहाँ पे फोर यहाँ पे वन वो हो चुका है, बस और हमें करने की जरूरत नहीं, ठीक है जी, अच्छा जी तो अब बताओ कितने वेज बनेंगे,
तो इसके लिए कितने बनेंगे भाई, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, और इसके लिए कितने बनेंगे भाई, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। हाँ जी, तो 1 प्लस 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल कितना निकल के आएगा भाई, 120 बटा 24, या ऐसे बोल दूं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, ये उड़ गया तो सीधा 5 आएगा, शॉर्टकट आप लगा सकते हो। प्लस कोई बात, थोड़ी सी स्मार्टनेस चाहिए और कुछ नहीं, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये उड़ गया तो 2 फैक्टोरियल आपको पता है 2 ही होता है, तो ये 2 आया, तो कितना निकल गया भाई, 10। ठीक है जी। अच्छा जी, प्लस आप 3 बक्से बनाने हैं भाई, आपको जगह थोड़ी कम है, लो जी 3, तो लो जी 3 बक्से बना दो, 1 ये 2 ये 3। अच्छा, एक एक एलिमेंट तो डालना ही पड़ेगा आपको, इसके बिना तो बात बनेगी नहीं, 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट खर्च हो चुके हैं टोटल, इसमें 5 एलिमेंट थे, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है भाई, देखो या तो आप ऐसा करो, 1 यहाँ डाल दो, 2 यहाँ और 2 यहाँ, ठीक है, समझ गए ना, मतलब 2 फालतू बच रहे थे ना, दोनों यहाँ डाल दिए। अच्छा, अब ये मत बोलना दोनों यहाँ डाल दो तो यहाँ डाल दें, यहाँ यहाँ डाल दे, तो मतलब 1 2 2 2 1 2, वो सब बकवास है, प्लीज मैं बार बार नहीं बोल रहा हूँ, अनऑर्डर पार्टीशन की बात है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता इनके नंबर से। अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटी है जी, 1 3 और 1, दिस इज ऑल्सो 1 पॉसिबिलिटी, मतलब जो 2 एलिमेंट बचे थे दोनों के दोनों आपने एक ही सेट में घुसा दिए। देखो भाई सीधी सी बात है, 3 एलिमेंट तो आपको खर्च करने करने हैं, 1 1 1 यहाँ डल चुका है, अब आपके पास बचे हैं जी 2 एलिमेंट फालतू, तो उन 2 एलिमेंट्स का आप क्या करोगे, एक तरीका तो क्या कहता है कि दोनों के दोनों को किसी एक ही सेट में घुसा दो, दोनों को किसी एक सेट में घुसा दोगे तो 3 डालना पड़ जाएगा, है ना, 1 3 1 ऐसे आ जाएगा, और एक एक डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, तो एक एक करोगे तो 2 जगह 2 आ जाएगा, तो वही चीज आई थिंक समझ गए आप, कॉमन सेंस की बात है ना। हाँ जी, तो बताओ इसके कितने बेस बनेंगे, बराबर 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल दो बार आया तो फिर 2 फैक्टोरियल से मैं डिवाइड करूंगा। अब आपके अंदर क्यूरियोसिटी आ जानी थी कि मैं क्यों बार बार 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहा हूँ, क्यूरियोसिटी आ रही है, मैं चाहता हूं कि आए आपके अंदर, आ रही है तो प्लीज मेरा डिस्ट्रीब्यूशन वाला वीडियो देखो, वीडियो नंबर 76 कबनेट और इसके प्लेलिस्ट में, और उसमें अनऑर्डर्ड पार्टीशन का वीडियो देखो, वहां सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो अब यहां बताओ भाई 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और ये 1 1 दो बार आया ना, तो फिर भाई बात 2 फैक्टोरियल से डिवाइड मारूंगा मैं, आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है जी, अच्छा जी, तो चलो भाई इसका आंसर करो भाई, 5 फैक्टोरियल कितना होता है भाई, 120 120 डिवाइडेड बाय 8, है ना, तो कितना निकल के आएगा भाई, ये 8 1 8 8 5 40, मतलब प्लस 15, प्लस ये कितना निकल के आएगा भाई, 5 इंटू 4 इंटू, ये वैसे पहले कैलकुलेट कर चुका हूँ मैं, है ना, कर चुका हूँ, तो इसका आंसर कितना आया था जी, 10 आया था मेरे ख्याल, है ना, हाँ 10 आया था, चलो भाई 10 कैलकुलेशन मिस्टेक है तो सॉरी, प्लीज आप अपने आप चेक करना, मैं आपको मेथड दिखा रहा हूँ, मेरे को तो इतना मेथड कह के भाग जाना चाहिए था, बट वही बात है, मेरे को इतना सेटिस्फेक्शन खुद से नहीं होती है, इसलिए मैं फिर सारी चीजें सॉल्व करता हूँ, तो मेरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं इतना कह के भाग सकता था, अनऑर्डर पार्टीशन होगा अपने आप करो, आप कर सकते थे वो काम, बट स्टिल मैं करता जाता हूँ चीजें। चलो ठीक है जी, हाँ जी, तो 3 वाली बात हो गई, अच्छा जी, अब 4 वाली बात आएगी, तो 4 वाली बात आएगी तो आप समझ पा रहे हो भाई, ऐसे ये 4 ऐसे बक्से बनेंगे, ठीक है जी, अच्छा जी, तो क्या देखो 4 तो वही खर्च हो जाएंगे, एक 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 एक, अब बचा एक एलिमेंट, तो एक एलिमेंट आप कभी डाल सकते हो, तो एक ही पॉसिबिलिटी है क्या भाई, 2 ट्रिपल 1 2 ट्रिपल 1, हाँ जी, तो मतलब 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल 3 बार आया तो 3 फैक्टोरियल से मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा, मैंने बार बार 1 फैक्टोरियल नहीं लिखा, 3 बार बकवास है वो, 1 ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी बताओ भाई, फिर वही बात 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो वही बात 10 आ जाएगा ऐड, है ना, अच्छा जी, प्लस 5, अगर 5 ब्लॉक्स मैंने बनाए हैं तो वही बात है, हर एक में एक एक एलिमेंट जाएगा, तो आप प्लीज ये बात याद रखना, वो आइडेंटिटी रिलेशन को डिनोट करता होगा, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, जब मैंने 4 वाला एग्जांपल लिया था, तो जब मैंने 4 एलिमेंट्स की बात की थी, तो मैंने कहा था सिर्फ एक ही वे होएगा, क्या एक एक एलिमेंट हर एक में डाल दो, तो जब एक एक एलिमेंट आप डालोगे तो आइडेंटिटी रिलेशन निकलेगी, मैंने अभी आपको सबसे पहले प्रूव किया थी बात, ठीक है, बार बार नहीं बोलूंगा। हाँ जी, तो बस प्लस 1 आप साथ और कर देना, प्लस 1 4 5 एलिमेंट्स, समझ गए ना, ये किसके लिए किया मैंने, 5 एलिमेंट्स के लिए किया, तो सॉरी 5 यू कैन से ब्लॉक्स, पार्टीशन के अंदर अगर 5 ब्लॉक्स होंगे तो हर एक ब्लॉक के अंदर सिर्फ एक एक एलिमेंट जाएगा, उसके लिए सिर्फ एक ही वे निकलेगा, सिर्फ एक ही पार्टीशन ऐसे बन सकता है और ज्यादा नहीं बन सकते, तो बस वो मैंने प्लस 1 कर दिया। हाँ जी, बस अब आप इन सबको ऐड करो, आपके पास आंसर आ जाएगा 10 20 30 50 52, तो 52 इज माई आंसर, ठीक है, ओके चलो ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस। अब देखो मैंने आपको इतना बड़ा प्रूफ क्यों दिया है, आप
देखो काफी टीचर्स क्या करते हैं ना, काफी टीचर्स रटवा देते हैं, वो बोलते हैं 4 के लिए आएगा जी 15, रट लो 4 के लिए आएगा जी 15, 5 के लिए आएगा जी 52, ठीक है बस यही रट लो, यही गेट में क्वेश्चन आएगा। बट वही बात है, गेट के प्रोफेसर बहुत इंटेलिजेंट है भाई, जो टीचर्स ऐसी बकवास बातें करते हैं ना मेरे को बहुत अजीब लगता है उनपे, सॉरी फॉर दैट, वो टीचर्स है, मैं भी टीचर हूँ, बट मेरे को ऐसे टीचर से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है भाई, जो चीजें रटवा देते हैं और कुछ बोलते नहीं है और चीजें स्किप मार देते हैं, मेरे को ऐसे टीचर अच्छे नहीं लगते। इनफैक्ट पेड कंटेंट में ऐसे काम होते हैं और मेरे को तो बहुत ज्यादा फील होता है, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं फ्री अवेलेबल करा दूंगा ताकि जो ऑनलाइन बकवास चीजें चल रही है ना वो सब बंद हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे को ये चीज अच्छी नहीं लगती, लोगों से इतना इतना पैसा ले लेते हैं टीचर्स और उसके बाद वो पढ़ाते कुछ भी नहीं है, 30-30, 40-40 हज़ार रुपए लिए हैं और लेने के बाद पढ़ाया क्या, कुछ भी नहीं। मैं नाम नहीं लूंगा ऐसे टीचर का, आप समझ पा रहे हो कि मेरा इशारा किसकी तरफ जा रहा है। जनरेटिंग फंक्शन के नाम पे मेरे को टीचर स्टूडेंट्स बताते हैं तो मुझे समझ में आता है, जनरेटिंग फंक्शन के नाम पे 5 मिनट का वीडियो देकर छुट्टी खत्म, कहानी अपने आप सिर खपाओ, ढूंढो कहां से जनरेटिंग फंक्शन के क्वेश्चन करोगे, एक क्वेश्चन ना सॉल्व होता किसी से भी, एक बात बोल के भाग गए, क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का भाई, ये तो सिंपली चीटिंग है और कुछ नहीं है। तो मेरे को ऐसे टीचर्स बहुत बिल्कुल बकवास लगते हैं ऐसे टीचर्स, ठीक है। तो इसलिए मेरे मन में यही आया था कि मैं एकदम फ्रीली अवेलेबल करा दूंगा गेट का कंटेंट ताकि किसी भी बच्चे को पैसे खर्च ना करने पड़े, एटलीस्ट ऑनलाइन कोचिंग के लिए। ऑफलाइन में जाओ कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऑफलाइन की तो बात ही अलग है एकदम, है ना, ऑनलाइन में इतनी ज्यादा नहीं बात मिलती क्योंकि ऑफलाइन में आपको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है, साथ में पीयर्स मिलेंगे, पीयर्स मतलब स्टूडेंट्स मिलेंगे जिनके साथ आप इंटरेक्शन करोगे, टेस्ट लिखोगे, बहुत कुछ करोगे, तो ऑफलाइन में तो बात ही अलग है एकदम, वो तो एनवायरनमेंट ही एकदम अलग हो जाता है, ठीक है। तो ऑनलाइन में मतलब मेरे हिसाब से काफी टीचर्स चीटिंग करते हैं, ठीक है, तो मैं चाहता ही नहीं था वो सब, इसलिए था कि सारा कंटेंट फ्री में दे दूंगा तो किसी को कोई टेंशन नहीं आएगी कल को, ठीक है, ओके। चलो ठीक है जी, तो मैंने काफी कुछ बता दिया है आपको, आई थिंक समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है। हाँ, तो मेरी मेन बात यह है कि इतना सब मैंने क्यों कराया, मैं भी तो बोल के भाग सकता था, बट गेट के प्रोफेसर इंटेलिजेंट है, 4 पे कितनी इक्विवेलेंस रिलेशन है उन्होंने पूछ लिया है। अब कल को पता है क्या पूछेंगे, कल को पूछेंगे ये 4 एलिमेंट का पेरेंट सेट है, इस पे ना 2-2 एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लासेस वाले कितनी इक्विवेलेंस रिलेशंस बनेगी, अंदर और घुस घुस के क्वेश्चन पूछेंगे, तो फिर बिल्कुल फंस जाओगे आप, आंसर नहीं कर पाओगे। तो बेटर वे क्या है, मैं साइड में होता हूँ, फटाफट इसको नोट डाउन करो और 2-4 क्वेश्चन में अपने हिसाब से लिखता हूँ और फिर मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, ओके। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख लिए, इनका हम आंसर करते हैं फटाफट से। हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ये तो कोई भी बता देगा 15, है ना, डायरेक्ट रटा रहा है क्वेश्चन है आपका। हाउ मेनी पार्टीशंस ऑफ सेट ए इज इक्वल टू इतना, ये भी आई थिंक सभी बता देंगे 15। कुछ स्टूडेंट्स इसमें फंस सकते हैं क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ने शायद पार्टीशन वर्ड ही ना सुना हो, है ना, तो गेट में प्रॉपरली डिफाइन होकर आ जाएगा कि पार्टीशन का मतलब ये है कि कोई भी सेट एम्प्टी नहीं होना चाहिए एंड सो, वो सारी बातें बोल देंगे, उसके हिसाब से एक क्वेश्चन बना देंगे। तो देख लो वो पार्टीशन की प्रॉपर डेफिनेशन मैंने आपको 3 स्टेप्स दिए थे, तो 3 स्टेप्स प्रॉपरली एग्जाम में लिखे हुए आ जाएंगे, तो इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स होंगे उनको पढ़ना समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है एग्जाम में, समझना मुश्किल हो जाएगा तो फिर आंसर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा काफी स्टूडेंट्स के लिए। बट यही फायदा है, आपने अगर अच्छे से पढ़ाई किया तो आपको पहले ही पता होगा पार्टीशन क्या होता है, तो जो भी डेफिनेशन दी होगी आप फटाफट से रिवाइज कर लेंगे, आपके माइंड में अपने सारी चीजें आ जाएंगी और आप इस क्वेश्चन का आंसर एक झटके में कर जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मान के चलना ये रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये शायद काफी स्टूडेंट्स को नहीं आएगा, ये तो सबको आ जाएगा, ये शायद किसी किसी को आएगा, किसी किसी को नहीं आएगा, तो इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है, आई थिंक समझ पा रहे होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन पे आओ भाई, हाउ मेनी पार्टीशंस ऑफ सेट ए हैविंग एग्जैक्टली 2 ब्लॉक्स, यहां से फिर फंसना शुरू हो जाएगा काम। हाँ जी, एग्जैक्टली 2 ब्लॉक्स तो बहुत आराम से आप बता सकते हैं, आपको आता तो आप बताएंगे, 4 एलिमेंट का सेट है ना, एग्जैक्टली 2 ब्लॉक्स बनाने हैं, तो ये लो भाई 2 ब्लॉक्स, तो एक एक एलिमेंट तो पहले खर्च हो गया, एक यहाँ जाएगा कि जाएगा, क्योंकि नॉन एम्प्टी है, तो बचे 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट बचे तो अब आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो 2 एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो मतलब 2-2, और फिर एक जगह 2 दे दो, बाकी कुछ मत देना, तो एक एक तो देने देना था, तो एक को 2 दे देना, तो मतलब 3-1 में चला जाएगा, 1-1 में चला जाएगा, तो 3-1, समझ गए ना, सीधी सी बात है भाई, 1-1 को देना देना है। अब आपके पास बचे हैं 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट बचे हैं तो या तो 2 एलिमेंट्स दोनों के दोनों किसी एक सेट में डाल देना, जो एक्स्ट्रा 2 एलिमेंट बचे हैं तो किसी एक में डाल दिए, तो फिर पक्की बात है 3-1 वाला केस हो जाएगा, और फिर या फिर जो 2 एलिमेंट बचे हैं दोनों में बांट देना, तो दोनों में बांट दोगे तो फिर एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, तो एक एक ऑलरेडी था तो 2 और 2 हो जाएगा, आई थिंक समझ रहे होगे, बेसिक बात है, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका, मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। हाँ जी, कितना आंसर आएगा, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और इसका आंसर कितना आएगा भाई, 4 फैक्टोरियल/3 फैक्टोरियल। हाँ जी, तो कितना आंसर आएगा भाई, ये निकल के आएगा जी 4, है ना, ये 24 आएगा, 24/8 3, और ये कितना निकल के आएगा 4, तो टोटल कितने आएंगे जी 7, कैलकुलेशन मिस्टेक तो प्लीज अब अपने आप देखो भी, सॉरी फॉर दैट, आप प्लीज देखना, मैं टाइम पास नहीं करना चाहता, 4 फैक्टोरियल 24 ये है ना,
हाँ जी, तो 24 है तो फिर ठीक है, 24 डिवाइड बाई 8 ये 3, हाँ ठीक है 3 आएगा, और यहाँ पे आप समझ ही पा रहे होगे सीधा 4 आएगा, तो 4 3 7 ठीक है एकदम ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ भाई, हाउ मेनी इक्वेलेंस रिलेशंस आर पॉसिबल ऑन सेट ए, ये कॉमा कॉमा डाल दिया मैंने वो सब रिपीट था इसलिए है ना। हाँ जी, ऑन सेट ए हैविंग एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट इक्वेलेंस क्लासेस, अब बड़ा ना लेवल, इसलिए मैंने कहा था आपको ये सब चीजें आनी चाहिए, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स बोल सकते थे कि प्रूफ दिया ही क्यों है आपने, बाकी टीचर्स देते नहीं, आप भी ना देते सीधा बोल के भाग जाते, बट इसलिए मैंने दिया है। और ये है जी पक्का रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन, इस पे चाहे 50 स्टार बना लो तो भी कम है भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक गेट में नहीं आया है, आ सकता है आज, आज नहीं तो कल जरूर आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, चाहे इस साल आए। देखो मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैंने जो 2012-13 में बातें बोली थी ना वो 2017-18 में आ रखी है गेट एग्जाम में, तो इस हद तक अगर मैं बोलता हूँ तो प्लीज इस बात को समझ लो भाई, तो आज बोल रहा हूँ ना ये बात, तो आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं जरूर बात आएगी आएगी ठीक है। हाँ जी, तो क्या क्वेश्चन है भाई, हाउ मेनी इक्वेलेंस रिलेशंस आर पॉसिबल ऑन दिस सेट ए हैविंग एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट इक्वेलेंस क्लासेस। देखो हाउ मेनी इक्वेलेंस रिलेशंस आर पॉसिबल ऑन दिस सेट ए, 15 आंसर सीधा सीधा सब बता देंगे, बट अब मैंने क्या साथ बोल दिया, हैविंग एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट इक्वेलेंस क्लासेस, तो ये वही बात, थोड़ा लेवल अपना हर बार नया नया, मतलब जब भी अगला गेट एग्जाम आएगा तो लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा ना, तो लेवल बढ़ेगा तो फिर नया क्वेश्चन आने के चांस है ना, तो ये थोड़ा सा और डीप में क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या करोगे, एकदम यही आंसर जो मैंने अभी आपको करके दिखाया, तो आंसर विल बी 7, वही बात है जितने पार्टीशन उतनी हमारी इक्विवेलेंस क्लासेस, सो उतनी इक्विवेलेंस रिलेशंस, तो बस एकदम वही तो क्वेश्चन है, आई थिंक समझ पा रहे हो, मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। हाँ जी, थ्री डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस, थ्री डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस का कोई टेंशन ही नहीं है, लो जी 4 एलिमेंट का सेट है, 3 डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस आपको बनानी है, एक 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 आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे करोगे, क्योंकि कोई भी एम्प्टी नहीं हो सकता, तो सारे नॉन एम्प्टी होते तो 1 1 1 हो गया खर्च, एक एलिमेंट बचा है, एक एलिमेंट बचा है आप उसको कहीं भी डाल सकते हो, तो एक ही तरीका है भाई 2 1 1 2 1 1 है, तो बोलो भाई 4 फैक्टोरियल कराया मैंने अभी आपको सारा, बट फिर भी मैं रिवाइज करा रहा हूँ, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 1 फैक्टोरियल दो बार आया तो 2 फैक्टोरियल से फिर से डिवाइड मार देना। हाँ जी, तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24 24 डिवाइडेड बाय 4 तो कितना है भाई, 6 4 24, तो 6 इज द आंसर, इतनी जगह कितने आराम से आंसर आया, एक स्टेप का क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ भाई, एक या दो स्टेप के क्वेश्चन आते हैं गेट एग्जाम में, तो एक या दो स्टेप के क्वेश्चन करा रहा हूँ, फालतू क्वेश्चन में नहीं करा रहा, कोई डीप में नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ दो दो स्टेप के क्वेश्चन है, आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए याद रखना इनको ठीक है जी। अच्छा, अब वही बात आ गई भाई, 2 डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस बोला, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होते थे, इंडेक्स ऐसे घुमा के भी क्वेश्चन आ सकता था, कि हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशंस आर पॉसिबल ऑन सेट ए हैविंग इंडेक्स 2, ये आंसर आएगा 7, या हैविंग इंडेक्स 3, ये आंसर आएगा 6, तो थिंक आप समझ गए होगे है ना। अब देखो वही बात है, अगर आपको चीजें समझ में आ गई तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, मेरे मन में और आ रहा है, मैं वो भी आपसे पूछता हूँ, फिर अपनी क्लास ओवर करूंगा, हटा रहा हूँ मैसेज को ठीक है जी। हाँ जी, मैंने आपको बोलता 4 या 5 तक क्वेश्चन आता है, बट वही बात है, ये जो कंस्ट्रेंट्स लगे हुए हैं ना, इस कंस्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंग 6 7 कितने पे भी आ सकता है, तो मैं अब आपसे पूछता हूँ, हमारे पास एक सेट ए है जिसका साइज 6 है, मतलब 6 एलिमेंट का सेट है, मैं आपसे पूछता हूँ हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशंस आर पॉसिबल Having index 3, बताओ भाई index 3 की कितनी equivalence relations बनेंगे, set का size 6 का, उस पे कितनी equivalence relations बनेंगे जिनका index 3 होगा, या you can say 3 distinct equivalence classes होंगे, तो बड़े आराम से मैं answer करूंगा। देखो भाई 6 elements का set है, तो 3 index है, तो मतलब पक्की बात है मेरे को 3 ऐसे sets बनाने हैं, एक 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 element तो मैंने खर्च कर दिया, तो अब बचे मेरे पास कितने भाई, 3 element बचे हैं, 3 एलिमेंट बचे, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है भाई, देखो 3 एलिमेंट्स की, या तो मैं तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा एक एक एलिमेंट, तो 2 2 2 ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वे। अच्छा, और क्या तरीका है भाई, 3 एलिमेंट फालतू बचे ना, तीनों के तीनों किसी एक को, इस किसी एक सेट को दे दो, तो मैंने सपोज कर लेता तो हमने किसी एक सेट को दे दिया, बोलना मत इसको इसको इसको, क्योंकि वो एक ही बात है, क्योंकि सारे अनलेबल्ड है ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ भाई, अनऑर्डर पार्टीशन डिस्टिंक्ट टू आइडेंटिकल में होता है, तो कोई टेंशन नहीं है, कहीं गए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक चीज है कि किसी एक सेट में मैंने तीनों के तीनों एक्स्ट्रा वाले घुसा दिए, किसी एक सेट में अगर तीनों के तीनों एक्स्ट्रा वाले घुसा दिए तो समझ पा रहे होंगे, एक में 4 आ जाएंगे, बाकी 2 में 1-1 बचेगा, समझ गए ना। देखो 1 1 1 था, 3 एलिमेंट बच रहे थे, तीनों के तीनों मैंने किसी एक में घुसा दिए, तो पक्की बात है ये 4 आ जाएगा और ये 1-1 बचेगा। हाँ जी, ये एक तरीका हो गया। अच्छा, और क्या तरीका आपको समझ में आता है, और तरीका ये होगा, 3 एलिमेंट है ना, तो एक जगह 2 दे देना, एक जगह 1 दे देना है ना, तो एक जगह 2 दे दोगे तो ये 3 बन जाएगा, और एक जगह 2 दे दोगे तो लो ये हो गया, मतलब एक जगह 2 एक जगह 1, समझ गए। ये देखो 1 1 1 था, 3 एलिमेंट बच रहे थे, 3 की क्या क्या पॉसिबिलिटी थी, या तो तीनों को तीनों में बांट दो तो 2 2 2 ये बन गया। अच्छा, 3 जो एलिमेंट एक्स्ट्रा बच रहे थे, तीनों के तीनों किसी एक में डाल दो तो 4 1 1। अच्छा, 3 एक्स्ट्रा बच रहे थे
तो दो एक में डाल देना, एक एक में डाल देना, दो एक में डालोगे तो दो जमा एक तीन, और एक में डालोगे तो तीन और दो और ये एक, समझ गए ना, तीन दो एक, आई थिंक समझ गए होगे मैं क्या करना चाह रहा हूं, बार बार नहीं बोलता। हाँ जी बस अब आपका काम करता हूं, आपकी अटेंशन आपके दिमाग में, सिक्स फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, और ये तीन बार आया तो थ्री फैक्टोरियल से मैं डिवाइड मार दूंगा, ठीक है जी। अच्छा जी उसके बाद फिर इसके लिए ये हो गया, इसके लिए अच्छा इसके लिए क्या बोलोगे भाई, सिक्स फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फोर फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल दो बार आया तो दो फैक्टोरियल से डिवाइड मार देना। इसके लिए क्या बोलोगे भाई, इसके लिए सिक्स फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल और वन फैक्टोरियल, ठीक है सारे यूनिक थे तो हमें कोई फालतू डिवाइड करने की जरूरत नहीं, बस अब कैलकुलेशन प्लीज आप अपना करना, मेरे से इतना काम मत करो, मेरे पे बहुत बड़ा जुलम हो जाएगा भाई, इतना जुलम मत करो मेरे ऊपर, ठीक है आप प्लीज अपने आप इनको, ठीक है जॉक्स अपार्ट प्लीज इनको मल्टीप्लाई करना, जो भी आंसर आएगा इसको इसको और इसको तीनों को ऐड करके आपका फाइनल आंसर रेडी हो जाएगा, समझ पा रहे, आई थिंक क्लियर हो जाएगा सबको, ठीक है जी। चलो थैंक यू सो मच, दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट आवर इक्वेलेंस रिलेशंस, यहाँ पे इक्वेलेंस रिलेशंस का टॉपिक हमारा एकदम कंप्लीट है। अब अगले वीडियो में मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट थ्योरम्स कराऊंगा, जितने भी हमने अभी तक रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, बहुत सारी टोटल सिक्स टाइप्स की रिलेशंस पढ़ी है ना, तो कुछ थ्योरम्स हैं और एक एक इक्वेलेंस रिलेशंस मैंने और पढ़ा दिया आपको, है ना, तो कुछ इन पे थ्योरम्स हैं, वो मैं थ्योरम्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है जी, ओके थैंक यू सो मच।